प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आएंगे। पीएम मोदी करीब 3 घंटे राजस्थान में रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी करीब 3 बजे विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट से 3:05 पर हेलीकॉप्टर से धनाक्या के लिए रवाना होंगे और धनाक्या में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। धनाक्या से हेलीकॉप्टर से रवाना होकर करीब 3:45 पर सभा स्थल पहुंचेंगे और शाम 6:30 पीएम मोदी जयपुर हवाई अड्डे से विशेष विमान के जरिए वापस दिल्ली रवाना होंगे। बता दें कि बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्राओं में मिले जन समर्थन पर आभार जताने पीएम मोदी आज जयपुर आएंगे। जयपुर में मोदी पहले जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्मृति स्थल पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद दादिया के सूरजपुरा में महासभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की जनता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सभा स्थल पर पांडाल में खुली जीप में होकर मंच तक पहुंचेंगे। इस तरह का नजारा पहली बार होगा। सभा स्थल पर केसरिया ही केसरिया नजारा दिखाई देगा। और चलिए इस पूरी खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4.5 साल बाद जयपुर पहुंच रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ विशेष तैयारियां जयपुर में बीजेपी की ओर से की गई? बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर की धरा पर 4.5 साल बाद आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान में वो आज मोदी का जो है इस साल में 8वां दौरा है। लगातार पीएम मोदी राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं और मिशन जो मरुधरा है बीजेपी का, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग संभाग और जिलों के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश की राजधानी जयपुर में पहुंचे हैं और यहां पर परिवर्तन संकल्प महासभा है उसको संबोधित करेंगे, क्योंकि प्रदेश में 4 संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्राएं निकाली गई थी, उन यात्राओं के समापन अलग अलग शहरों में हुए। अब सामूहिक रूप से समापन समारोह यहाँ पर रखा गया है और इसमें प्रदेश स्तर से बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनको बुलाया गया है। प्रदेश में 52,000 बूथ हैं जहां पर बीजेपी दावा करती रही है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं बूथ स्तर तक की कार्यकारिणी है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचेंगे। बीजेपी के नेताओं ने भी लाखों की तादाद में यहां पर लोगों के आने का आह्वान किया है। यहां पर 3 डोम बनाए गए हैं, मुख्य डोम यह है, इसके अलावा 2 आजू बाजू में 2 और डोम बनाए गए हैं। कुल मिला के अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो क्षमता है बैठने की, वो इन पूरे डोम में करीब 50,000 के आसपास कुर्सियाँ बताई जा रही है। उसके अलावा खाली जगह और बची है जहाँ ब्लॉक बनाए गए हैं, वहाँ पर बैठने की व्यवस्था की जाएगी। और एक सबसे बड़ी खासियत आज की सभा की ये रहेगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में से होके गुजरेंगे। ये सड़क आपको दिखाई दे रही है, ये हेलीपैड से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली जीप से इसी सड़क से आकर लोगों से अभिवादन करेंगे। दोनों तरफ जो कुर्सियां लगी हुई है, ब्लॉक बनाए हुए हैं, वहां लोग रहेंगे। ये पहली बार मौका होगा कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़दीक से देख पाएंगे। बिल्कुल, जैसा रोड शो में नज़ारा होता है उस तरह से यहां पर नज़ारा दिखाई देगा। अमूमन प्रधानमंत्री सीधे हेलीपैड से उतरकर सीधे मंच पर जाते हैं, मंच पर संबोधन करने के बाद सीधे वापस हेलीपैड पहुंच जाते हैं, लेकिन पहली बार ये व्यवस्था यहां पर की गई है कि इस रोड से आकर खुली जीप में दोनों तरफ लोग बैठे रहेंगे। इसके अलावा करीब 1,000 जो महिलाएं हैं वो यहां पर केसरिया बाने में रहेंगी, केसरिया वेशभूषा धारण किए हुए होंगी। साथ ही जो नव मतदाता हैं वो केसरिया साफा लगाए हुए होंगे। पूरा केसरिया जो मय है वो इस पूरे पांडाल को यहाँ पर दिया गया है। यहाँ जो मुख्य मंच है उसकी तरफ भी जो लगाया गया है, पूरा जो डोम है वो पर्दे लगाए गए हैं, वो केसरिया लगाए गए हैं। तो कुल मिला के केसरिया माहौल या राजस्थान में गुलाबी नगरी में केसरिया माहौल यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए, मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ लगातार अलग अलग ब्लॉक लगाए गए और उसमें लोग पहुँचेंगे। एक बात और है कि यहाँ रात को पानी भर गया था इस पूरे पांडाल में। ये है मुख्य मंच जहाँ से प्रधानमंत्री न केवल राजस्थान बल्कि देश की जनता को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ये वो मंच है, मंच पूरी तरह तैयार है, सजकर जो अंतिम रूप है वो दिया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर बारिश हो गई थी, बारिश से यहाँ पांडाल पानी भर गया था
उस बारिश से पानी को निकाला गया। रात देर रात तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सहित सीपी जोशी सहित तमाम नेता है वो यहाँ पर डटे हुए थे। करीब युद्ध स्तर पर काम चला और 2:30 बजे तक ये काम चला, उसके बाद पानी निकाला गया। नए सिरे से यहाँ पर कारपेट बिछाई जा रही है क्योंकि जो पहले जो कारपेट बिछाई गई थी वो गीली हो चुकी है, तो ऐसे में नए सिरे से यहाँ पर कारपेट बिछाई गई है। लगातार यहाँ पर अभी सुरक्षा व्यवस्था का जो जायजा है वो पूरा हो चुका है। यहाँ डॉग स्क्वाड है वो पूरा जायजा ले चुके हैं सुरक्षा व्यवस्था का। तो ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी के आने का इंतजार है। मैच कुछ घंटे बचे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के धरा पर होंगे, क्योंकि वर्तमान में प्रधानमंत्री जो मोदी है उससे पहले जो कार्यक्रम है भोपाल में है, वहाँ भी इसी तरह का कार्यक्रम है जहाँ पर जो बूथ जो कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ पर भोपाल में रहेगा और उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर 3 बजे करीब यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके बाद आज जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय हैं, उनकी जन्म जयंती है, ऐसे में उनका स्मारक है धाणक्या में, वहाँ पर हेलीकॉप्टर से पहुँचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। करीब 20-25 मिनट का कार्यक्रम वहाँ रहेगा और उसके बाद पीएम मोदी वहाँ से रवाना होकर यहाँ सभा स्थल पर करीब 3:45 पर यहाँ उनके पहुँचने का समय है वो प्रस्तावित है। यहाँ पर पहुँचकर यहाँ पर एक चीज ये भी देखने लायक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 3:45 के आसपास जो है सभा स्थल पर पहुंचेंगे, लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो अभी से जुटनी शुरू हो गई है और साथ ही जो मंच की तस्वीरें हमने देखी वो मंच सज चुका है। तमाम बीजेपी के राजस्थान के जो दिग्गज नेता है वो उस मंच पर नजर आने वाले हैं एक साथ। बिल्कुल, मंच तैयार हो चुका है और यहाँ पर राजस्थान के जो जितने बड़े नेता हैं वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हो सीपी जोशी हो, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हैं, प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी हैं और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री भी हैं प्रहलाद जोशी। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर इस मंच पर दिखाई देंगे। इसके अलावा यहाँ पर लोगों के जो पहुँचने का सिलसिला है, जो कार्यकर्ता जो दूर दराज के वो आना शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी कार्यक्रम 3 बजे शुरू होगा तो ऐसे में देरी है कार्यक्रम में, लेकिन कुछ जो कार्यकर्ता उनके पहुँचने का सिलसिला होगा। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा है वो चाक चौबंद की जा रही है, प्रत्येक जो ब्लॉक है उसकी चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर करीब 5,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। लगातार 3 स्तर पर यहाँ सुरक्षा जांच की जा रही है प्रवेश करने के साथ ही, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन व्यवस्था की गई है, उसके बाद अंदर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ प्रत्येक स्तर पर जांच की व्यवस्था यहाँ की गई है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का मामला है तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था है वो काफ़ी मजबूत है और इसी का ध्यान रखा गया है। दूसरी बात बात करें मिशन वरुधरा की, तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं। 28 जनवरी को आसिंद में आए थे जहाँ पर गुर्जर भगवान देव नारायण की जन्म जयंती थी और उसको लेकर वहाँ पर पहुँचे थे। वहीं अगर बात की जाए धार्मिक लिहाज से तो आज बाबा रामदेव और तेजाजी महाराज की जन्म जयंती है, यानी जो लोग देवता हैं दोनों ही। और यह राजस्थान न केवल राजस्थान बल्कि आसपास के इलाके में भी यहाँ पर जो प्रदेश है वहाँ दोनों लोक देवताओं की पूजा की जाती है, तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा पवित्र दिन भी है और संभवतया प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो भी इन दोनों दिवसों को आज अपने संबोधन में भी याद करेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ तेजाजी वो हैं लोक देवता जिन्होंने दूसरों के लिए बचाने के लिए अपना जीवन समर्पण कर दिया था। तो ये पूरी जो कहानी बात है वो यहाँ पर रखी जाएगी और बड़ा समुदाय यहाँ पर इन दोनों लोक देवताओं से जुड़ा हुआ राजस्थान का, या यूँ कह सकते हैं कि हर लोग यहाँ लोक देवताओं से जुड़े हुए हैं। तो आज दोनों लोक देवताओं की जयंती है तो कहीं ना कहीं ये अवसर भी है। पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि तेजाजी का जो जन्म स्थल है खरनाल, वहाँ पीएम मोदी की सभा रखने की बात सामने आ रही थी, और अब चूंकि चारों परिवर्तन नारा यात्राएं अलग अलग शहरों में समाप्त हुई है तो एक महापरिवर्तन जो संकल्प सभा है वो यहाँ रखी गई है। तो इसको लेकर अब कुछ देर बाद पीएम मोदी यहाँ पर सभा को संबोधित करने आने वाले हैं। इससे पहले तैयारियां, जो तमाम तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई है। बीजेपी बात कर रहे थे बीजेपी के मरुद्रा मिशन की, लगातार भले ही विपक्ष आरोप लगाता रहा हो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस या जो उनकी टीम है पूरा फोकस राजस्थान पर है। लगातार 28 जनवरी के बाद 12 फरवरी को दौसा के धनावड़ में आए थे, उसके बाद मई में पहुँचे थे, 31 मई को अजमेर पहुँचे थे, उससे पहले बात की जाए तो माउंट आबू और
चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे। बिल्कुल विष्णु, लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं, साढ़े चार साल बाद जयपुर के धनाक्या पहुंचेंगे, और ऐसे में सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो है राजस्थान में सियासी हलचल होना लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।